नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल गिल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सागवान का ट्री बगीचा, जो कि काफी पुराना है। करीबन 12 से 15 साल इस बगीचे को हो गया है लगे हुए। तो आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और इसके बारे में हम और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार के पेड़ है यहाँ पे सागवान के, काफी मोटी मात्रा में है, काफी लंबाई में भी हो चुके हैं पौधे और इनकी पत्तियां भी काफी चौड़ी हो चुकी है। और यहाँ का नजारा भी आप देखने लायक है, बहुत ही शानदार दृश्य है इस बगीचे का। तो आइए हम आगे आपको और भी पेड़ इस प्रकार से बताएंगे सागवान के। करीबन इस बगीचे में 500 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें से अभी करीबन 480 पौधे के समथिंग बचे हुए हैं और ये 2007 के लगे हुए पेड़ है। इस बगीचे में इस पौधे के पत्तियां काफी मोटी मात्रा में फैल चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी मोटी मात्रा में पत्ते इसके हो चुके हैं इस पौधे के, और पौधे की साइज भी काफी मोटी हो चुकी है। जैसा कि हम आपको बताएंगे इस बगीचे में ये इस प्रकार से पौधों की साइज हो गई है, लगभग काफी पौधे की साइज इस प्रकार से मोटाई हो चुकी है। और इनकी लंबाई अगर आप देखोगे तो 25 से 30 मीटर तक की इनकी लंबाई हो चुकी है और इनमें करीबन 4 से 5 बार इनकी कटिंग भी हो चुकी है पौधों की। और ये पौधे करीबन 15 साल के समथिंग होने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बता रहे हैं सागवान के पौधे और इनके बगीचे में ये पौधे से पौधे की लंबाई 20 फीट की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ इस पौधे से पौधे की लंबाई 20 फीट के समथिंग है। और करीबन ये काफी बड़ा बगीचा है सागवान का और काफी अच्छा। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है सागवान का बगीचा और काफी पुराना भी है, ये करीबन 15 साल के समथिंग हो गया है और इसकी लंबाई भी 25 से 30 मीटर के समथिंग हो चुकी है। और करीबन जैसा कि हमें बताया गया है कि ये बगीचा सेल होने के काबिल हो चुका है। इस बगीचे को अपन प्राइवेट में नहीं बेच सकते, इनको सिर्फ गवर्नमेंट ही परचेस करती है। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, इस बगीचे को लगाने के बाद इसमें आप कोई फसल नहीं ले सकते, बगीचा जैसे ही लगता है इसमें आपको फसल छोड़ना पड़ती है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खरपतवार भी हो रहा है, बाकी जैसे ही गवर्नमेंट इनका सेल आउट करती है तो ये बगीचा बहुत अच्छी इनकम दे जा सकता है, कम खर्चे में ये बहुत अच्छी इनकम भी दे सकता है। गवर्नमेंट इसका सेल आउट करती है और एक पौधे का करीबन 70 से 80 हज़ार, जैसा कि हमें बताया गया है एक पौधे का 70 से 80 हज़ार पर पौधा यहाँ पे मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 450 पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि पर पौधा 70 हज़ार, मतलब 450 पौधे के कितने पेमेंट बनता है। तो आप इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, आपको कोई स्प्रे दवाई कुछ भी नहीं छिटकना है, बस ये पेड़ बगीचा लगा के आपको छोड़ देना है। कोई पानी का भी खर्चा नहीं है, ऊपर के जो वायुमंडल का पानी है उससे ये पौधे चलते रहते हैं। और अगर 50 से 60 हज़ार भी एक एवरेज अपन माने तो 60 हज़ार भी पर पौधा देता है तो 450 पौधों के कितने पेमेंट होते हैं ये आप देख सकते हैं। और इन पौधों का सेल आउट गवर्नमेंट लेती है, सिर्फ तना तना जो होता है उसका सेल गवर्नमेंट करती है, बाकी आप इनकी डाल वगैरह और पत्ते वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार का सागवान का बगीचा अपनी ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेती करने से और भी ज़्यादा ज़मीन है तो आप 1 एकड़ के समथिंग 300 पैदल पेड़ लगेंगे जो आप लगा के देखिए, आप इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। करीबन ये 15 साल के समथिंग ये बगीचा बेचने के लायक हो जाता है, 12 से 15 साल के बीच में इसका आप सेल कर सकते हैं।